स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। खबरों की करते हैं शुरुआत फास्ट अंदाज में। दुर्ग में मेरा बूथ सबसे मजबूत है संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने समर्थकों के साथ सुना पीएम का भाषण वार्ड 59 बूथ क्रमांक 31 में हुआ आयोजित। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली, कांग्रेस की अहम बैठक में होंगे शामिल। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई मीटिंग। रायपुर पीसीसी दफ्तर में मोर्चा प्रकोष्ठ की बड़ी बैठक, कुमार शैलजा मोहन मरकामनी की 1-to-1 चर्चा, 17 प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, ये विपक्ष का अधिकार, उनके सभी सवालों का देंगे जवाब। मंत्री अमरजीत भगत ने विपक्ष पर बोला हमला, आकाश जिनके चेहरे पर पहले से दाग, जिन पर 36,000 करोड़ के घोटाले का आरोप, फिर सरकार का सामना क्या करेगी। बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान पर बोले अमरजीत भगत, हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे देख लिए, जनता इनकी बातों में नहीं आने वाली। कॉमेडियन देवराज पटेल मौत मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार, देवराज पटेल के दोस्त से पूछताछ जारी, कल सड़क हादसे में देवराज पटेल की हुई थी मौत। कोरबा में जान बचाने के लिए भालू से भिड़ गया पंडो युवक, 10 मिनट तक संघर्ष के बाद भाग निकला भालू, लहूलुहान युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी, बिलासपुर पेंड्रा मुंगेली दुर्ग बेमित्रा कवर्धा में बारिश का असर। कोरबा में बिस्तर पर अचानक से घिरा छत का प्लास्टर, बाल बाल बचा एसीसीएल कर्मी परिवार, एसीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के रेस्क्यू कॉलोनी की घटना। बिलासपुर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरू असलम गिरफ्तार, जेल जाने के बाद दिया इस्तीफा, किसान को धमकाना पड़ा भारी। दुर्ग में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, महंगी गाड़ियों से करते थे तस्करी। आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी संजीव झा का एक दिवसीय कोरबा दौरा, बिलासपुर में 2 जुलाई को होने वाली जनसंवाद महारैली को लेकर की बातचीत, केजरीवाल और भगवंत मान की रैली में लाखों लोगों के जुटने का दावा। जगदलपुर में अवैध खनन परिवहन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, परपा कोटे नार अवैध तरीके से रेत ढोते कई वाहनों किया जब्त, 7 वाहनों पर कार्रवाई। लगातार हो रही बारिश के कारण रायगढ़ का सब्जी मंडी जलमग्न, नाला सफाई नहीं होने से संजय कॉम्प्लेक्स सब्जी बाजार में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। सूरजपुर के ओडगी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ 3 सदस्यीय जांच टीम गठित, शिक्षक से 10,000 की अवैध वसूली का मामला, एरियर्स भुगतान के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। धमतरी में रोजगार गारंटी योजना में फर्जीवाड़ा मजदूरों के फर्जी हस्ताक्षर कर रकम हड़पने का आरोप, शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने कई कार्रवाई की। भिलाई वासियों को कल से 2 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी, वाटर मुख्य पाइपलाइन का शटर डाउन, चल रहा मरम्मत का काम, प्रभावित इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई। बिलासपुर में पुराने विवाद को लेकर जमलपुरी के ढाबे में तोड़फोड़, बदमाशों ने ढाबे में की मारपीट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान, 3 सरपंच और 48 सरपंच पद के लिए वोटिंग, 30 जून को घोषित होंगे परिणाम। जशपुर बतौली चरई डांड स्टेट हाईवे पर महाजाम निर्माण, 3 सड़क पर ट्रक फंसने से दोनों तरफ वाहनों की कतार, बारिश से पहले नहीं बन पाई सड़क। रायगढ़ में युवक को चाकू मारने के 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, 15 दिनों से फरार चल रहे थे आरोपी, शादी में गाना बजाने के विवाद में मारा था चाकू। राजनांदगांव में भी बारिश का दौर जारी, आसमान में छाए बादल, लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। अंतरी में लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित, स्कूल खुलने के दूसरे दिन अवकाश, जिले में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर जारी। मवेशियों से भरी 2 पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस को देखकर भागने के दौरान हादसा, हादसे में कई मवेशियों की गई जान, दोकड़ा चौकी के बंदर चुहा की घटना। बलरामपुर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा कनहर नदी का जलस्तर, नदी में पानी आने से लोगों को राहत, नदी के पानी पर झारखंड छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी निर्भर। लगातार बारिश बन रही मुसीबत, राजनांदगांव जिला अस्पताल में घुस गया पानी, महिला और पुरुष वार्ड को ऊपर किया गया शिफ्ट, हर साल बनती है यही स्थिति। बलौदाबाजार में मानसून की पहली बारिश के बाद तालाब में तब्दील हुआ स्कूल कैंपस, पानी में उतरकर स्कूल जाने के लिए बच्चे मजबूर, गांव की नाली भर जाने से जल जमाव का आलम। मानसून आते ही सब्जी की कीमतों में उछाल, धमतरी में टमाटर के दाम 100 रुपए के पार, पिछले 5 दिनों में 2.5 गुना तक बढ़े दाम, आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद नहीं। धमतरी में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल, हर साल बारिश से जल जमाव बनता है बड़ी चुनौती। बैकुंठपुर में जनपद पंचायत का परिसर जलमग्न, पूरा कैंपस तालाब में तब्दील, पानी निकासी कोई व्यवस्था न होने से बड़ी समस्या, आने जाने वाले लोग हो रहे परेशान। मनेन्द्रगढ़ में संयुक्त कलेक्टर ने तारा सिंह तोमर के खिलाफ शुरू होगी जांच, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने की है शिकायत, उपायुक्त सरगुजा संभाग ने दिए जांच के आदेश। अंबिकापुर में बरसात शुरू होते ही बड़े सब्जियों के दाम, टमाटर के दाम 80 रुपए किलो तक पहुंचे, पिछले 1 सप्ताह से बढ़ रही सब्जियों की कीमत।
आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शेड्यूल का ऐलान। देश के 10 स्टेडियम में 46 दिनों तक चलेंगे मुकाबले। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप का आयोजन। अहमदाबाद में ही 19 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के बीच 15 अक्टूबर को मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच से टूर्नामेंट का होगा आगाज। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल से एमपी छत्तीसगढ़ को निराशा। राज्य में मुकाबला होने की थी उम्मीद। शहरों की सूची में दोनों में से किसी राज्य के स्टेडियम का नाम है। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम में आई अचानक से तेजी। सेंचुरी लगा चुका टमाटर। अदरक लहसुन के दाम भी काफी महंगे। हरी सब्जियों के दाम भी छू रहे आसमान। जबलपुर के बाजार में 4 गुना तक बढ़े भिंडी टमाटर कद्दू समेत तमाम सब्जियों के दाम। बारिश की वजह से खेत और स्टॉक में रखी सब्जियां हो रही खराब। आम आदमी परेशान। देवास में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने रंगे हाथों पकड़ा। मिर्जापुर में पदस्थ था पटवारी बाबूलाल पांचा। दमोह जिले के हाटा मुख्यालय पर हुए 2 कार हादसे का शिकार। एक कार चालक घायल अस्पताल में भर्ती। बाल बाल बची दूसरे कार चालक की जान। इंदौर की फेमस छप्पन दुकान की तर्ज पर उज्जैन में आपको मिलेगा कई जायकों का स्वाद। प्राधिकरण ने लोगों से मांगे बाजार के नाम के सुझाव। सबसे अच्छा नाम बताने वाले को मिलेगा 21,000 का। आदि पुरुष पर धीरेन्द्र शास्त्री का कटाक्ष। मेकर से पूछे सवाल, भगवान हनुमान क्या क्या नहीं है जरा बताएं। ऐसी फिल्म बनाने वालों को भगवान दे सद्बुद्धि। नमो जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 39 भेड़ बकरियों की गई जान। डबरा पहाड़ पर हिंडोरिया में हादसा। प्रशासन ने दिया मुआवजा देने का भरोसा। पीएम मोदी ने देश को दी 5 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। भोपाल इंदौर और रानी कपलापति जबलपुर के बीच चलेगी 2 ट्रेनें। रांची पटना धारवाड़ केएसआर बेंगलुरु और गोवा मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कॉमन सिविल कोर्ट पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, वोट बैंक के भूखे लोग करते हैं कॉमन सिविल कोर्ट का विरोध। यूसीसी के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे कुछ लोग। 3 तलाक कानून को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। कहा, मुस्लिम भाई बहनों को समझाना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का रहे। 3 तलाक कहकर बेटियों को घर से निकाल देना ठीक। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा को दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में एमपी की बड़ी भूमिका। एमपी से पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को से किया संवाद। कहा, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कार्यकर्ता, दल से बड़ा है देश। पीएम मोदी और मोटे अनाज पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान। कहा, पीएम को अमेरिका दौरे पर परोसा गया मोटे अनाज का नाश्ता। प्रधानमंत्री के संकल्प और विजन का यह परिणाम। बैतूल के साणी थाना इलाके में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस 250 बोरी नकली खाद के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोरियों में राख भरकर करते थे बिक्री। शाजापुर में अनियंत्रित होकर नाले में पलटी कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार 2 युवक। अंडर वाटर सीवरेज निर्माण के लिए खुदाई से हो रही है परेशान। सीधी में जमीन विवाद में रिटायर्ड डीएसपी दिलराज सिंह पर जानलेवा हमला। गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कमरजी थाना क्षेत्र के करुई खाड गांव का मामला। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर सावन से पहले अनूठी तैयारी। बनाया जा रहा 30 किलो चांदी का द्वार। इसी द्वार से गुजरेंगे श्रद्धालु। 2 महीने तक उमड़ेगा श्रद्धालुओं का हुजूम। सीहोर में मानसून की पहली बारिश से खुली विकास की पोल। श्यामपुर सीहोर मार्ग पर 30 करोड़ की लागत से बनी सड़क उखड़ी। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक के तहत हुए निर्माण पर उठे सवाल। बुरहानपुर में सीसीटीवी में कैद हुआ रफ्तार का कहर। ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में घायल युवक को ट्रैफिक जवान ने पहुंचाया अस्पताल। सतना रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के कारण शख्स की मौत। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान फिसला पैर। पति की मौत के बाद पत्नी बेहोश। दिल्ली में कांग्रेस की कल बड़ी बैठक। चुनावी राज्यों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई बैठक। एमपीसीजी समेत अन्य राज्यों के नेताओं के साथ रणनीति पर होगी चर्चा। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की हुई बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू मुख्य सचिव अमिताभ जैन रहे मौजूद। नक्सल ऑपरेशन और मॉनसून पर हुई चर्चा। पीसीसी में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक के बाद प्रदेश व्यापारी कुमारी सुलजा का बयान। जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों का लिया जायजा। बूथ चलो अभियान पर भी मंथन। कोरबा में रकम लौटाने के बाद भी वसूली करने वाला सूदखोर गिरफ्तार। एक आरोपी को पुलिस पहले कर चुकी गिरफ्तार। बाकी मोकरा पुलिस ने की कार्रवाई। इंदिरा में आघोषित बिजली कटौती पर बिजली उपभोक्ताओं का आंदोलन। मरवाही बिजली विभाग कार्यालय के सामने किया जमकर नारेबाजी। मरवाही तहसीलदार को सौंपा गया। अंबिकापुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। चौपाटी में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई। नगर निगम और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई। रायपुर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बेटिंग सट्टा जुए के विज्ञापन होंगे बैन। विज्ञापन एजेंसियों के लिए जारी की एडवाइजरी। 50,000 जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान। धमतरी के घटूला सड़क हादसे में 2 घायलों को इलाज के लिए
कराया गया था भर्ती। इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। रायपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान पिता पुत्र की मौत। 25 जून को ट्रक से टकराई थी स्कॉर्पियो। आखिर में मानसिक रोगी बच्चे को पुलिस ने परिवार से मिलाया। नागपुर से गायब हुआ था बच्चा। अंताकड़ में भूखा मिला था मानसिक रोगी बच्चा। पुलिस ने बच्चे को परिवार को सौंपा। कोरबा के सुनालिया पुल के पास बस्ती के बीच खड़ी ऑटो में मिला अजगर। स्नेक कैचर टीम ने किया अजगर का रेस्क्यू। सुरक्षित जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव के लिए येलो अलर्ट। 3 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका। बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग में भी अलर्ट। मुंगेली जिले में हो रही झमाझम बारिश। सुबह से हो रही जोरदार बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। आगर नदी का बढ़ा जलस्तर। भिंडरा में पहली बारिश में सरकारी दफ्तर के रास्तों पर भरा पानी। 3 बड़े कार्यालय और स्कूल कॉलेज के रास्ते में जल भराव। लोगों को हो रही परेशानी। लगातार बारिश के चलते टमाटर की फसल को खासा नुकसान। आवक कम होने से बढ़े टमाटर के दाम। पिछले सप्ताह में दोगुनी हुई कीमत। रायगढ़ में सब्जियों के बढ़े दाम। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो। हरी सब्जियां, गोभी, भिंडी की कीमतों में उछाल। बारिश की वजह से सप्लाई कम होने की वजह से बढ़े दाम। अंबिकापुर से बड़ी